नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन नाला खोदकर भूला विभाग। रायसेन का मुख्य चौराहा सागर भोपाल चौराहा, यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करीबन एक माह पूर्व एक नाला खोदा गया था। उस नाले को खोदने के बाद जैसे विभाग उसको भूल गया है, अब वहाँ दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ने लगा है। आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। बिल्कुल इस नाले के बगल से नगर पालिका द्वारा 15 लाख रुपए खर्च करके राष्ट्रीय ध्वज का पोल भी लगाया गया है। नगर पालिका ने दावा किया था कि इस चौराहे को हम बहुत सुंदर बनाएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग एवं ठेकेदार द्वारा उस चौराहे को बदरंग कर दिया गया है। 20 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा रायसेन आ रही है और इसी चौराहे से होकर वह यात्रा गुजरेगी। अब देखना यह है कि कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ विभाग इस नाले की क्या व्यवस्था करता है, या मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा यूं ही गुजर जाती है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। परेशानी है, एक महीने पहले यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग आए हुए थे, जेसीबी आई है नाले बनाने के लिए, खोद के चली गई है, पर यहाँ पे अभी तक ऐसे गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है और काम बिल्कुल भी चालू नहीं हुआ है, जिससे हम दुकानदारों को हो रही है परेशानी। ये हमारी शॉप है जहाँ पर कस्टमरों को आने में दिक्कत हो रही है। ये रास्ता है आने का दुकान के अंदर का, कई बार कस्टमर बच गए हैं इसके अंदर गिरने से, तो ये बैरिकेड उठा के लगाया हमने रोड पर से ताकि कोई गिरे ना। एक दो बार गौ माता गिर गई है तो उसको हमने निकाली है सब लोगों ने, दुकानदार ने। हम लोगों को परेशानी हो रही है, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। इसमें आप किसी गलती मानते हैं? पीडब्ल्यूडी की। आपने कोई शिकायत की उनसे? एक दो दिन पहले हम लोग गए थे इकट्ठे होकर पीडब्ल्यूडी, उन्होंने कहा साहब होगा काम, अभी हमारे पास हम करवा पाएंगे, अभी ना बनवा पा रहे हैं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, हो सकेगा तो हम इसको ढकवा देंगे। अब आप बताइए इसको ढकवाने से क्या फ़ायदा है, इसको या तो बना दें या वापस से पूर दें जैसा था वैसा था, बारिश के बाद बना लें। महीने पहले पीडब्ल्यूडी वाले गड्ढा खोद के गए, सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। दो एक बार गहिए गिर चुकी हैं इसमें, हम दुकान वालों ने मिलकर निकाला है। दो एक बार गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, हम सब दुकानदारों को दिक्कत आती है कि इधर से क्या ना गाड़ी निकल पाती ना हम लोग निकल पाते हैं, हमारा काम अटका पड़ा रहता है, कुछ भी काम आए तो इसका पूरा राउंड मार के जाना पड़ता है। बहुत दिन दिक्कत आ रही है, एक महीने से ऊपर ही हो गया, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं कर रहा, खोद के चले गए बस। वो अभी आधे घंटे पहले ये गई गिरी थी, हम लोगों ने निकाला,